Hello students, today we are going to start new lesson. Lesson number 2, the role of government in health. हम जो है नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है. In a democracy, people expect government to do work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of road, electricity, etc. किसी भी डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए जो है काम करेगी. और ये हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट जो है प्रोवाइड करेगी, रोड प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. इस चैप्टर में जो है हम हेल्थ से रिलेटेड जो है वर्ड्स की मीनिंग और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको एग्जामिन करेंगे. इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हेल्थ जो है वो गवर्नमेंट के जो है से किस तरीके से रिलेटेड है. जो सबसे पहले जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है. वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. बट हेल्थ इज इट ओनली अबाउट डिजीज. हम जो है हेल्थ को कई तरीके से ले सकते हैं. हेल्थ का मतलब है कि हम किसी भी तरीके की इलनेस या बीमारी से फ्री हो. मीन्स हमारे पास न कोई बीमारी ना हो, हम कोई भी तरीके की बीमारी हमारे शरीर में ना हो या किसी भी तरीके की इंजरीज चोट जो है ना हो. बट हेल्थ इज इट ओनली अबाउट डिजीज. लेकिन हेल्थ सिर्फ बीमारी की ही नहीं होती है. अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. हमें डिजीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और उनके बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रह रहा है, ऐसे एनवायरमेंट में रह रहा है जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, उसे पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है. जनरली पानी की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है, पॉल्यूशन की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है जो लोगों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. तो अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसे एनवायरमेंट में रह रहा है जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, यानी कि वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रह रहा है और उसे साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी हेल्दी होगा या उसकी हेल्थ जो है अच्छी होगी. ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस. इसके विपरीत या इसके जो है ऑपोजिट जो है, अगर कोई व्यक्ति है जिसे जितना खाना मिलना चाहिए, जिस तरीके का खाना मिलना चाहिए उस तरीके का खाना नहीं मिल रहा है, उतना खाना नहीं मिल रहा है, तो या फिर वो गलत जैसे जो है गंदी बस्ती में रह रहा है, गंदी जगहों पर रह रहा है, आसपास गंदगी है, वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो वो बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होगा, यानी कि उसके वो ज़्यादा चांसेस होंगे बीमार पड़ने के. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे डूइंग. इट इज इन हेल्दी टू बी डन इन एक्टिव एंजियस और स्केयर फॉर अ लार्ज लॉन्ग स्ट्रेसेस ऑफ टाइम. हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक्टिव हो, यानी कि जो है एक्टिविटी जो है वो आसानी से करे, जो है चलता फिरता रहे, कोई जो है हर कोई चाहता है एक्टिव रहे और कोई भी काम वो कर रहा है तो वो उत्साह के साथ स्पिरिट के साथ करना चाहता है. लेकिन अगर हम डल हैं, मतलब हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हमें चलने फिरने का मन नहीं कर रहा है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, हम इनएक्टिव हैं और एंजियस हैं, हम जो है ज़्यादा एंजाइटी है, चिंता है बहुत तरीके की और हमें डर लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसे हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है और हमारी हेल्थ जो है उसे अफेक्टेड होती है. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हम हर एक व्यक्ति को जो है चिंता से मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरह की मानसिक जो है अशांति या कह सकते हैं कि जिस मानसिक जो है किसी भी तरीके की टेंशन ना हो, ऐसी लाइफ हर व्यक्ति को जीनी चाहिए या हर कोई जीना चाहता है. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ. लेकिन ये जो चिंता है, ये जो एंजाइटी है या ये जो हमारा जो आसपास जो पोल्यूशन है, जो हेल्दी खाना है हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे हेल्थ का एक
क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा असर डालती हैं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू.